कहना चाहता था, राजस्थानी वाली टीम, राजस्थान की जो टीम है बहुत ही बकवास टीम होती है। पहले तो मैच जीतती है बहुत सारे, फिर जीतने के बाद ऐसा लगता है इस बार आईपीएल मिलेगा। हर साल सिर्फ निराशा ही मिलती है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, और आप देख रहे हैं माय पापा का ब्लॉग। तो आप सोच रहे होंगे सुबह सुबह हम यहाँ क्या कर रहे हैं। हम आए हैं यहाँ पे शॉर्ट वीडियो बनाने नेहरू पार्क में, और हमारा यह है नया अड्डा। क्या है अड्डा? नया अड्डा। तो दोस्तों, पहले तो मैं बहुत ही बड़ी स्टोरी बोलना चाहूँगा, इतनी बड़ी स्टोरी बोलना चाहूँगा। दिल से दुख है मुझे। क्या है? दिल से दुख। जो तकलीफ देनी थी आप दे चुके, अब दोबारा के और तकलीफ मत दो, बाकी जो तकलीफ है वो हम सह लेंगे, प्लीज। तो दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, दिल से सॉरी। क्या मैं अपनी बात खुद ही भूल जाता हूँ, सॉरी। अबे साले। तो दोस्तों, क्या है कि मैं इतनी बड़ी सॉरी इसलिए बोलना चाहता हूँ कि मैंने जो परसों जब ईद की वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में कुछ गड़बड़ हो गई थी मेरे साथ, बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई थी। उसमें जो वॉइस डबिंग थी आगे पीछे हो गई थी, जिसकी वजह से पूरी वीडियो खराब हो गई थी। 25 मिनट की वीडियो थी। तो क्या हुआ दोस्तों, वो एक्चुअली जब मैंने वीडियो बना रहा था, उस वक्त मैंने एक कोई मीम्स जोड़ दिया था, कोई बहुत ही बड़ा मीम्स था, जिसकी वजह से वो क्या है, वॉइस आगे पीछे हो गई थी। मेरी 25 मिनट की जो वीडियो थी ख़राब हो गई। तो इसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ, क्योंकि मैं आपको ढंग से इंटरटेनमेंट नहीं कर पाया। इंशाल्लाह इस बार मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इंटरटेनमेंट कर पाऊँगा, और यकीन कीजिए बहुत ही अच्छी वीडियो बनाऊँगा। तो अब क्या कर क्या सकते हैं, जो हो गया, पर दिल से खुशी है कि आपने उस पर सपोर्ट दिखाया, कुछ ना कुछ व्यूज़ तो देते रहे आपने। तो दोस्तों, मुझे खुशी है इस बात की कि आपने उस पर व्यूज़ दिए। 60 व्यूज़ आए मुझ पर, 60। इतना दिल खुश कर दिया 60 व्यूज़ से। क्या है कि थोड़ी थोड़ी खुशियों से इंसान को मिलने चाहिए, क्या छोटी छोटी खुशियाँ, चीज़ें नहीं खुशियाँ। तो दोस्तों इससे हमें खुशी मिलती रहती है। ऐसे ही आप प्यार लुटाते रहे, आज 60 है, कल 60 हो जाएंगे, फिर 60 मिलियन हो जाएंगे, फिर 60 बिलियन हो जाएंगे, फिर 60 ट्रिलियन हो जाएंगे। एक दिन हम पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। तो चलिए दोस्तों, और आज का ब्लॉग शुरू करते हैं शॉर्ट वीडियो को, और आपको भी मैं थोड़ी थोड़ी वीडियो दिखा दूंगा। बहुत ही अच्छी वीडियो बनने वाली है, बहुत ही अच्छा कंटेंट है हमारे पास। तो अब चलते हैं, अपना वीडियो बनाते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी इस वीडियो को, आपको कैसा लगा कि थोड़ी सी हम मेहनत कर रहे हैं, और इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंटेंट भी है, और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये वीडियो, और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। तो अब आज हम यही वीडियो बनाएंगे, और 7-8 वीडियो बना के हम अपलोड भी करेंगे। और दोस्तों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि कल मेरा बहुत ही बड़ा दिल दुखा था, अव्वल दर्जे वाला दिल दुखा था। ये साले राजस्थान वाले यार, ये मार मारो का खोपड़ी तोड़ साले का मार। राजस्थान टीम है ना, बहुत ही बेकार टीम है राजस्थान वाले। तो नहीं, सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो जाता है, तो सॉरी, अगर बुरा लगा तो माफ कर देना। मैं कहना चाहता था राजस्थानी वाली टीम, राजस्थान की जो टीम है बहुत ही बकवास टीम होती है। पहले तो मैच जीतती है बहुत सारे, फिर जीतने के बाद ऐसा लगता है इस बार आईपीएल मिलेगा। हर साल सिर्फ निराशा ही मिलती है, और इस बार भी सालों ने ऐसा ही काम किया कि पहले मैच जीतती है, फिर हारती है। पर आज कल जो बेंगलोर का मैच हुआ था, मेरा दिल दुखा था, बहुत बुरा दिल दुखा था, मेरा दिल टूटा है मेरा बहुत बुरे तरीके से। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। पहले सपने दिखाते हैं और फिर कहते कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए इस बात का मुझे गम भी है, और क्या बताऊँ मैं आपको यार दोस्तों, बहुत ही दिल दुखा था। पहले सपने दिखाते हैं, फिर बोलते हैं नहीं होगा, ऐसा करते हैं। जो भी दुख हुआ, अब क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ की तो वीडियो बना ली है, अब इसके बाद मैं चलूँगा घर, और आज मेरा 12 बजे इंटरव्यू है, और मैं शायद इंटरव्यू को मुझे शेड्यूल करके शायद 3 बजे का लगाना पड़ेगा, एंड 3 बजे को कहना पड़ेगा उन्हें इंटरव्यू के लिए। इसलिए मैं तो चला कल इंटरव्यू के लिए, और आज सॉरी कल का नहीं, आज ही इंटरव्यू करेंगे। 4 बजे का इंटरव्यू शेड्यूल करता हूँ, और बात करते हैं उनसे, और मिलता हूँ आपसे अब अपने घर पे। टाटा बाय बाय। ओके, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने घर में। हेलो गाइस, बाय लोगों। तो दोस्तों, मैं फिर से इंटरव्यू में फेल हो गया, जो हर बार होता हूँ, इस बार भी फेल हो गया। इस बार पहली बार लाइफ में, ज़िंदगी में पहली बार मैं घबरा गया,
उस घबराहट के चक्कर में साले ने इतना मुश्किल सवाल पूछा कि उसका जवाब ही नहीं दे पाया। एक्चुअली सवाल पूछा था, पर सिंपल ही सवाल पूछा था। सच बताऊं तो बहुत ही आसान सवाल पूछा था और मुझे पता भी था, पर मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, मैं भूल गया था, बस जबान तक रह गया था, यहाँ तक ही रह गया था, बस बाहर निकालने की जरूरत थी, बस वो गले में अटक गया, जवाब नहीं दे पाया और इंटरव्यू में फेल हो गया। अरे कोई बात नहीं, तुम्हारे भाई में बहुत दम है। तो नया इंटरव्यू है कल 4 बजे फिर से, मैं इतने इंटरव्यू दूंगा आप सोच भी सकते हैं मैं कितने इंटरव्यू दूंगा, और इंशाल्लाह मैं पास भी होऊंगा और जयपुर मिलूंगा एक दिन मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह मैं नौकरी मिलेगी फ्लैट डेवलपर की, और इंशाल्लाह हम हो जाएंगे कामयाब। हम होंगे कामयाब। तो दोस्तों ये मेरी सेना है, ये मेरी सेना, इधर आ चंडाल, इधर आ। ये मेरी सेना मेरे साथ है, बोलो हम होंगे कामयाब, बोलो हम होंगे कामयाब। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे फिर से। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ फिर से आपको कहाँ पे, नई जगह पे, क्योंकि हम जा रहे हैं स्पोर्ट वीडियो बनाने। कुछ ना कुछ तो करता ही रहना चाहिए आदमी को, अगर जॉब नहीं मिली तो अब यूट्यूब तो ही है और आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है। चलिए दोस्तों मिलता हूँ आपसे दूसरी जगह। तो गाइस हम आ गए हैं स्मृति पार्क में और यहाँ पे बनाएंगे शॉर्ट वीडियो, और ये दोनों कर रहे हैं बदमाशियाँ, मस्ती बजाक कैसे चल रहे हैं। तो हम फटाफट कुछ अच्छी सी जगह देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक खड्डा दिखा रहे हैं, पर खड्डा किसी काम का नहीं है। तो हम जल्दी से जल्दी जगह इसलिए देख रहे हैं क्योंकि शाम होने वाली है, अगर शाम के अंदर ये वीडियो बेकार बनी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा बुरी बनेगी, इसलिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए जल्दी जल्दी हम जगह देखते हैं और चलते हैं वहाँ पे। तो चलिए दोस्तों फटाफट निकलते हैं हम, स्टार्ट। तो भाई लोगों हम अपना काम कर लिया है, हमने अपना काम कर लिया है, वीडियो बना ली है शॉर्ट, और अब यहाँ से अपने घर जा रहे हैं। और इसके बाद शॉर्ट वीडियो तो आप देखते हो, यकीन कीजिए शॉर्ट वीडियो काफ़ी अच्छी बनी है हमारी, अपनी तो बेस्ट ही बताएंगे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। पर अब चल रहा हूँ घर, जाके बात करता हूँ, ये साले बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे। टाटा बाय बाय हट। तो चलिए दोस्तों चलता हूँ घर पे। तो भाई लोगों मैं आ गया हूँ घर पे, और घर पे मैंने वीडियो बना ली है, और वहाँ पे आपने देखा किस तरीके से फालतूपने और किस तरीके से मजाक चल रहे थे, वहाँ पे मुझे वीडियो नहीं बना दे रहे थे। और चलो जैसे तैसे हमने वहाँ पे वीडियो बना ली। और दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज मेरे लिए बहुत ही दुख भरा दिन है, क्योंकि आज मैंने वोडाफोन की सिम पोर्ट करवा ली, क्योंकि वोडाफोन का जो सफ़र है मेरे साथ काफ़ी लंबा चला, काफ़ी वक्त से मैं वोडाफोन यूज करता था, मेरी अभी तक की सबसे बेस्ट सिम वोडाफोन थी, मैंने आज तक कभी जियो के बारे में सोचा भी नहीं था, एयरटेल का लिया था, पर एयरटेल जैसी घटिया सिम मैंने कभी यूज़ नहीं की, क्योंकि एयरटेल मुझे इसलिए पूरी लगती है क्योंकि जब मेरे पास 3G फ़ोन था और रिचार्ज, जब मेरे पास 3G फ़ोन था तब मैं 3G था और मैं 4G रिचार्ज करवाता था तो मेरा नेट नहीं चलता था, बड़े साले कमीने थे, इस वजह से मेरा सारा महीना ख़राब कर देते, मेरे पैसे भी ले लेते, इस बात का मुझे दुख है। और जो भी है, पर मैंने ना जियो कभी यूज़ की, मैंने हमेशा ही वोडाफोन को सपोर्ट दिखाया, और एक बार लेने के बाद मैंने कभी भी पोर्ट नहीं करवाई, आज तक मैंने 5 सालों तक कभी वोडाफोन चेंज नहीं कराई। बड़े बड़े लोगों ने कहा पोर्ट करवा दो पोर्ट करवा लो, पर मैंने कभी नहीं कहा, पर मेरे दोस्त आदिल ने भी मुझे काफ़ी बार कहा कि पोर्ट करवा ले, पर मैंने नहीं कहा, पर आज जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मुझे आज मेरा यूट्यूब चैनल है, इस वजह से मैंने आज जियो में पोर्ट करवाई, क्योंकि 5GB अनलिमिटेड मिल रहा है और मेरा मोबाइल भी 5G है, तो इस कुछ फ़ायदा तो उठाए और ज़िंदगी में इंसान को आगे भी तो बढ़ना चाहिए। जो भी है बातें बहुत हो गई, तो दोस्तों अब मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ और आपसे विदा लेना चाहता हूँ। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा बाय बाय।